तालिबान ने ये क्या कर दिया? भारत के बनाए घेरे में बुरा फंसा पाकिस्तान, सब छोड़ रहे साथ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के बनाए चाबहार पोर्ट को व्यापार के प्रमुख मार्ग के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की प्लानिंग के चलते तालिबान ने अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान को छोड़कर नई दिल्ली को चुना है। मोदी सरकार के नेतृत्व में पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व को लेकर भारत की विदेश नीति ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्च महीने की शुरुआत में भारत और तालिबान के बीच काबुल में एक मुलाकात हुई थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मिला था। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद ये जानकारी आई थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ईरान के चाबहार पोर्ट में 3.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। अब इसी सप्ताह तालिबान के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि अफगानिस्तान का अधिकांश व्यापार अब चाबहार पोर्ट के जरिए हो रहा है। यही नहीं, काबुल का कहना है कि वह पाकिस्तान के रास्ते व्यापार को कम करना चाहता है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो इसे भारत की बड़ी जीत बता रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा और अफगानिस्तान मामलों के एक्सपर्ट कमर चीमा इसे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की नीति का कमाल मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान को अपने साथ करके पाकिस्तान को इस इलाके में अलग थलग कर रहा है। चीमा ने कहा, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का प्लान पाकिस्तान के ऊपर अपनी निर्भरता कम करना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ानी है। यही वजह है कि अफगानिस्तान चाबहार के रास्ते व्यापार कर रहा है, जिसे भारत ने बनाया है। ईरान और भारत अफगानिस्तान को बहुत कुछ दे रहे हैं, पाकिस्तान को होगा बहुत नुकसान। चीमा ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए सबसे करीब रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है, लेकिन इस्लामाबाद उसे रास्ता नहीं देना चाहता। ऐसे में भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए चाबहार पोर्ट है। वहीं इस्लामाबाद के साथ तनाव के चलते तालिबान भी पाकिस्तान से दूर जा रहा है। चीमा के मुताबिक अफगानिस्तान के इधर न आने से तालिबान को कोई नुकसान नहीं होगा। वो अब पाकिस्तान के बजाय ईरान के रास्ते पोर्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होने जा रहा है। तालिबान के हमसे दूर हो जाने का नुकसान होगा कि अब इस्लामाबाद टीटीपी आतंकियों को लेकर काबुल पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं होगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नहीं, भारत को चुना। चीमा ने कहा कि चाबहार बंदरगाह के रास्ते व्यापार को जाना बताता है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की जगह भारत को दोस्त के रूप में चुना है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में फंस गया है। पाकिस्तान के लिए टीटीपी सबसे बड़ा खतरा है। हमारी सेना और नागरिकों पर हमले किए हैं, हम उन पर कमजोर नहीं पड़ सकते और तालिबान उन पर सख्ती करने को तैयार नहीं है। उधर चीन भी पाकिस्तान में निवेश करके तंग आ गया है। पाकिस्तान खुद को भारत का प्रतिद्वंद्वी बता रहा है, लेकिन उसके पास विकल्प खत्म हो जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोई रास्ता देने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।